हमारे अबू से छोटे वाले खालू हैं। खालू सलाम करो। अल्लाह आगमन आगमन खाओगे ब्रो? भूख लगी है, दावत में आए तो खाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक। अब मेरी तबीयत में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, आप लोगों की दुआएं थी और अल्लाह का करम था, तो अभी मेरी तबीयत में जो है अच्छा सुधार है। और फ्रेंड्स, तो मैं दोबारा आ चुकी हूँ नए ब्लॉग के साथ और अभी इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं शादी में। मेरी फ्रेंड है, उनकी शादी है और हमारी रिलेटिव्स भी हैं वो। तो सुबह से फ्रेंड्स मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सुबह से काफ़ी काम थे, दवाई भी लेने जाना था और इस चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी के काम थे। हम लोग कपड़े भी लेकर आए हैं जो कि गिफ्ट में हम देने वाले हैं जो मेरी फ्रेंड है उनको, और हमारे रिश्तेदार भी हैं वो। तो मैं अभी आपको कपड़े दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम अपने जाने की तैयारी करेंगे। तो ये सूट लेकर आई थी फ्रेंड्स अम्मी, ये पूरा जरकिन का है और ये मेहंदी कलर है, बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत सा। तो जिसकी शादी है ये उसके लिए अम्मी लेकर आई थी। हम ये वाला सूट लेकर आए थे जो हमारे रिलेटिव्स हैं जिसकी शादी है उसके लिए लेकर आए थे। और फ्रेंड्स अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मुझे नहाना भी है, काफ़ी लेट हो गए हैं, हम 5 बज रहे हैं। तो जल्दी से नहाकर रेडी होकर फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग डायरेक्ट आपसे शादी में ही मिल रहे हैं, तो अभी हम लोग शादी में आ चुके हैं और अभी हम खाना पीना सब कुछ खाएंगे। और फ्रेंड्स ये मेरे कज़न्स हैं, ये सब लोग आए थे तो सबसे मिलवाऊंगी मैं आपसे। तो फिलहाल चलो पहले तो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इधर अभी टिक्की टेस्ट कर रहे हैं कैसी बनी है, और इधर खाला दही बल्ले खा लो, बड़े टेस्टी है, खा के देख लिया? बिल्कुल, पहले खा के देख चुकी है खाला और दोबारा खा के देख ली है। नहीं फर्स्ट टाइम ही खाया है, देखने में टेस्ट की। अच्छा देख के बता रही हो, इतनी मुँह नहीं लगती, जितने दो दो खा लो। हाँ देखो और खा लो भैया, खा पी के खुश फुर्सत हो गई, खाला तो बिल्कुल फुर्सत है। फ्राई बहुत टेस्टी, चलो भैया अभी हम भी टेस्ट कर लेते हैं जरा कैसे है ये टिक्की। मेरा चिकन फ्राई, अम्मी चिकन फ्राई कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा चलो भाई मैं भी टेस्ट करूँगी, फिलहाल तुम टिक्की खा रही हो। देखो हमारी नानी भी आई है, ये नहा रही है और बहुत खा के देखती हूँ कैसी हो रही है। हाँ सही बात है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारा अपना ही खाना है। सही बात है, खाता हूँ या मतलब शादी में। देखो हम लोग सब लोग इसी में से खा ले रहे हैं, ज्यादा ना खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई बहुत मेहनत से इंसान अपनी शादी करता है। बिरयानी बहुत टेस्टी है। मतलब तुम क्या चाह रही हो मैं खाऊं? खा रहे ना थोड़ी, मेरा गला सही नहीं है, मैं अभी तो बिहार हूँ। देखो नानी, देखो मेरे मन को टिटलवा रही है, मैं ना रोक नहीं पाऊंगी, हो रहा होगा। चलो अब खा ले तू, मैं भैया रह नहीं सकते हो, इतनी टेस्टी है, मेरे गला सही नहीं है पर फिर भी खा लूंगी। तो ये है गाजर का हलवा और नानी गाजर का हलवा खाने जा रही है, तो नानी बताना टेस्ट करके। हाँ फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बना गाजर का, उसका हलवा मूंग की दाल का अच्छा बना, आप भी खाइए। थोड़ा बहुत तो होगी, और देखो मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ मेरा पानी लिया। चल आए कर दी जल्दी फ्रेंड को। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, देखिए सुभान भाई हमारे लिए पानी लेकर आए, ऐसे होने चुप ब्रो, ब्रो कर दे यो, कर दे यो। ये देखो आज पहुँचने वाले ला रहा हूँ, वाह
मैं यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी वीडियो बनवा रही थी और बच्चे इतने नॉटी होते हैं, मेरे पे कोई इतने सारे रोज़ डाल दिए बच्चों ने और मैं समझी पता नहीं क्या डाला और उन्होंने रोज़ डाले थे और बच्चे कोई नहीं थे। ये दोनों महान हमारे ये दोनों नवाब थे छोटे वाले जो यो यो कर रहे हैं और ये हमारी खाला हैं, ये मेरे कज़न्स हैं। सबसे आपसे सुकून से मिलाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी बट सुकून से मिलाऊंगी। हंस के अच्छी आ रही है, आवाज ही नहीं आएगी तुम्हारी ऊपर से डालने पर, अब भी नहीं आएगी तो शोर में। हेलो चल देखो हमारी खाना देखो, और इधर मैं और सब लोग पीछे हैं, अभी धीरे धीरे सबसे मिलवाएंगे। ठीक है अम्मी? ठीक है ऐसे आएंगे, ठीक है अम्मी ऐसे करते हैं। दो चार बातें बोल जल्दी। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इनकी रोज ब्लॉग देखता हूँ, रोज ही डालती है शॉर्ट्स वीडियो डालती है, देखता हूँ बढ़िया ब्लॉग बनाते। देखो यार ऐसी सपोर्ट करते रहो, फिर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करें जो भी नए ब्लॉग आए। हाँ भाई उन्हीं की वजह से ही हुई सबसे मुलाकात। देखो ये हमारे नाना है, ये देखो, और ये है मियाँ जी। देखो हमारी दुआ करना मेरे मियाँ जी जो सही हो जाए, उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है अभी। अभी देखो हमारी फोटो खींच रही है, वीडियो बना रही है आपकी। हाँ नहीं नाना ये दादा है, भाई जब है तो नहीं पास बोले भाई पास। ये देखो ये लुटेरे, ये देखो लुटेरों को देखो, देखो नाना की जेब खुली नहीं और लुटेरे पहले आ गए। ये देखो खुले नहीं है पैसे भाई, क्या लाओगे? क्या कुछ लेंगे अपने खेलने के लिए? क्या नहीं देखो फ्रेंड्स ये है हमारे खालू, ये है हमारे अब्बू से छोटे वाले खालू हैं। खालू सलाम कर लो। हाँ चाचा भी है पर मैं तो खालू बोलती हूँ, मैं तो खालू ही बोलती हूँ, चाचा भी हैं। देखो चलो जी यहाँ सब हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है, कितना खाओगे ब्रो? भूख लगी है, दावत में आए तो खाएंगे ब्रो। ओ ब्रो चाउमीन पेल लाया ब्रो, दही बल्ले भी खा रहा है। हम लोग शादी में से आ चुके हैं और मैं आयान और सुभान जल्दी आ गए थे क्योंकि फ्रेंड्स अम्मी तो विदाई करवा के आएंगी, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। फ्रेंड्स हमें शादी में बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी शादी थी, बहुत ही अच्छा खाना था और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। और आप किसी की भी शादी में जाएं, देखो किसी भी कोई भी शादी में जाएं उसको बेकार कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं और इतना सब कुछ करते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि हम अच्छा करें, पर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अरे नहीं ये वो, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए, उस माँ बाप से पूछो जिन्होंने इतनी मेहनत करके बच्चे की शादी करी है। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था और हमें बहुत अच्छा लगा और हमने आपको दिखाया हमारे जो मियाँ जी थे, मतलब कि
जो काफी बड़े हैं, उम्र दराज हैं और अभी उनकी तबीयत हाल ही में सही नहीं है क्योंकि उनके मैं उनकी थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत मैं बता देती हूँ कि उनको पैरालाइज हुआ है, उनके जो हाथ पैर हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं, बहुत धीरे धीरे उनके हाथ पैर चलते हैं अब और पैर तो उनके काफ़ी हो गए हैं पैरालाइज। तो अल्लाह उनकी जल्दी से उनकी ये दिक्कत भी शिफा दे, अल्लाह उनकी दिक्कत में बहुत परेशान है और काफ़ी दिनों बाद मैंने उन्हें देखा और मुझे बड़ा बड़ा अलग सा लगा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि कैसे मैंने देखा था उन्हें और अब कितने वक्त बाद उन्हें कैसे देखा। काफ़ी बैठे हुए थे और काफ़ी उम्र भी हो गई है और बचपन में उन्होंने हमें और उर्दू भी पढ़ाई है और बहुत ही हमारी जो शॉप थी वहीं पर उन्होंने काफ़ी सालों तक काम कराया है, हमारे पास ही रहते थे और खाना पीना सब कुछ हमारे साथ ही था उनका, बहुत अच्छे से बोलते थे, बहुत मोहब्बत और बहुत बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। तो हम लोगों को, हम बच्चों को काफ़ी बचपन से देखा है उन्होंने और हमने भी उन्हें बचपन से ही देखा है, मतलब हमें उन्होंने छोटे से देखा है और हमने भी छोटे से देखा है उन्हें और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बस आप लोग दुआ करना कि उनकी तबीयत जल्दी से अल्लाह सही कर दें और सभी की दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर और इंशाल्लाह वो शायद कल चले जाएं अपने घर, पर हमने अब पापा ने कहा है कि हम उनको बुलवाएंगे, अगर वो कल नहीं जाते हैं तो इंशाल्लाह वो सुबह हमारे घर आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगर वो आएंगे तो। पर फ़िलहाल तो अभी उनका कोई पक्का नहीं है क्योंकि तबीयत थोड़ी उनकी हालात थोड़े डाउन हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सुकून चाहिए होता है और भीड़ भाड़ में तो आप लोगों को पता ही है, पर वो उनकी बहन की लड़की की शादी थी इस वजह से उनको आना पड़ा। तो फिलहाल फ्रेंड्स बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी मैं और बस यही कहूँगी कि आप लोग दुआ करते रहिए और जो लोग हमें प्यार करते हैं उनकी अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाए और जो हमसे नफ़रत करते हैं अल्लाह उनकी भी सारी दुआएं कबूल फरमाए और बस अल्लाह हमारी भी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोग अभी वीडियो बना रहे थे, अपनी शॉर्ट्स बना रहे थे और फ्रेंड्स हम लोग केक अशा को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि जब मैं ससुराल में थी अपने तो उन्हीं के साथ ज़्यादा वीडियो बनाती थी, केक अशा बाजी अफान सबको, क्योंकि उन्हीं के साथ बनाती थी। पर अभी तो यहाँ पर हमारी सुभान भाई काफ़ी मदद कर रहे हैं तो ये लोग ये बनवा दे रहे हैं मेरे साथ वीडियो और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी तो इस वजह से वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। इनकी और बहुत तबीयत खराब थी फ्रेंड्स। हाँ देखो सुभान भाई शादी में से ही हमारे साथ आ गए थे तो यार बस वीडियो बनवा रहा है, ये भी हमारे साथ जैसे केक अशा बनवाती थी, मेहनत करती थी, ऐसे ही ये भी हमारे साथ कर रहा है। बहुत सपोर्ट देना और उनके 10 लाख सब्सक्राइब करवा देना। जो भी बोल रहा है भाई दिल से बोल रहा है, कुछ भी बोला बस सुन लो, 10 लाख बोले 10,000 बोले कुछ भी बोले मेरी अप्पी के करवा देना। चलो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, सबको आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पहले से अल्लाह पहले वो तो बोला ही नहीं, लाइक कमेंट लाइक करो, कमेंट करो, नए आए तो सब्सक्राइब करो और अपनी फिजा को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, बाय बाय।